कल आप तहसीलदार साहब तो एस डी एम साहब तो एस एम ओ साहब इतने दफ्तर के बैठे उन्होंने धरने बारे पूछताछ सानू की ते कहा कि धरना जिहड़ा तुसी ये चक लो तो मसले थोड़े सारे हल हो जाएंगे। हाँ तो ये परजा की डिस्टर्बी होंगी है आने वाले मरीजों की। उन्होंने सानू ये सवाल किया, असी कहा जी जिहड़ा धरना है ये शुरुआत जिहड़ी हुई है वो हस्पताल की मैनेजमेंट वल्लों हुई है। हस्पताल की मैनेजमेंट ने पहला बिल्कुल हस्पताल के गेट पर धरना लाया है। असी तो बाहर बैठे हैं, साडा स्पीकर बाहर है, किसी नूं कोई असी डिस्टर्ब नहीं करते। एमरजेंसी रस्ते जिहड़े खुले है, एमरजेंसी गड्डियां आ रही हैं जा रही हैं, मरीज आ रहे हैं जा रहे हैं, दवाई चल रही, सारा इलाज चल रहा है। हाँ परंतु जिहड़ा धरने का मसला है वो साडा भ्रिष्टाचार के खिलाफ है। जब तक भ्रिष्टाचार खत्म नहीं हुंदा तद तक धरना नहीं चक्का जा सकता। भ्रिष्टाचार खत्म होवे, जिहड़े डॉक्टरों के उत्ते हुण रिटायरमेंट लै रहे हो उन्होंने रिटायरमेंट से रोक ला के जिहड़ा इत्थे भ्रिष्टाचार होया। दो डॉक्टर है आर पी सिंह और गोबिंद, मैं नाम लैण तो नहीं चढ़ता, उन्होंने दोनों की रिटायरमेंट से रोक ला के सारा जिहड़ा सी बी आई तो जाँच कराई जाए उन्होंने कार्यगुजारी की। हाँ तो असीं धरना चक्कण नूं तैयार हाँ, हस्पताल का प्रबंध ठीक होवे, डॉक्टर फुल होण, सारा इलाज अंदरों होवे। असी तो सुधार वास्ते बैठे हैं, भ्रिष्टाचार के खिलाफ बैठे हैं। वो साडा कोई मकसद नहीं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, किसी दुकानदार के खिलाफ नहीं, किसी समाज के खिलाफ नहीं, किसी जथेबंदी के खिलाफ नहीं, किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बैठे। कल आप तहसीलदार साहब तो एस डी एम साहब तो एस एम ओ साहब इतने दफ्तर के बैठे उन्होंने धरने बारे पूछताछ सानू की ते कहा कि धरना जिहड़ा तुसी ये चक लो तो मसले थोड़े सारे हल हो जाएंगे। हाँ तो ये परजा की डिस्टर्बी होंगी है आने वाले मरीजों की। उन्होंने सानू ये सवाल किया, असी कहा जी जिहड़ा धरना है ये शुरुआत जिहड़ी हुई है वो हस्पताल की मैनेजमेंट वल्लों हुई है। हस्पताल की मैनेजमेंट ने पहला बिल्कुल हस्पताल के गेट पर धरना लाया है। असी तो बाहर बैठे हैं, साडा स्पीकर बाहर है, किसी नूं कोई असी डिस्टर्ब नहीं करते। एमरजेंसी रस्ते जिहड़े खुले है, एमरजेंसी गड्डियां आ रही हैं जा रही हैं, मरीज आ रहे हैं जा रहे हैं, दवाई चल रही, सारा इलाज चल रहा है। हाँ परंतु जिहड़ा धरने का मसला है वो साडा भ्रिष्टाचार के खिलाफ है। जब तक भ्रिष्टाचार खत्म नहीं हुंदा तद तक धरना नहीं चक्का जा सकता। भ्रिष्टाचार खत्म होवे, जिहड़े डॉक्टरों के उत्ते हुण रिटायरमेंट लै रहे हो उन्होंने रिटायरमेंट से रोक ला के जिहड़ा इत्थे भ्रिष्टाचार होया। दो डॉक्टर है आर पी सिंह और गोबिंद, मैं नाम लैण तो नहीं चढ़ता, उन्होंने दोनों की रिटायरमेंट से रोक ला के सारा जिहड़ा सी बी आई तो जाँच कराई जाए उन्होंने कार्यगुजारी की। हाँ तो असी धरना चक्कण नूं तैयार हाँ, हस्पताल का प्रबंध ठीक होवे, डॉक्टर फुल होण, सारा इलाज अंदरों होवे। असी तो सुधार वास्ते बैठे हैं, भ्रिष्टाचार के खिलाफ बैठे हैं। वो साडा कोई मकसद नहीं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, किसी दुकानदार के खिलाफ नहीं, किसी समाज के खिलाफ नहीं, किसी जथेबंदी के खिलाफ नहीं, किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बैठे। कल आप तहसीलदार साहब तो एस डी एम साहब तो एस एम ओ साहब
इत्थे दफ्तर दे विच बैठे उन्होंने धरने बारे पुछताछ सानू कीती ते कहा कि धरना जिहड़ा तुसी ये चक लो ते मसले थोड़े सारे हल हो जाएंगे। हाँ ते ए परजा दी डिस्टर्बी हुंदी है आने वाले मरीजों की, उन्होंने सानू ये सवाल किया। असी कहा जी जिहड़ा धरना है ये शुरुआत जिहड़ी हुई है वह हस्पताल की मैनेजमेंट वल्लों हुई है। हस्पताल की मैनेजमेंट ने पहला बिल्कुल हस्पताल के गेट पर धरना लाया है। असी तो बाहर बैठे हैं, साडा स्पीकर बाहर है, किसी कोई असी डिस्टर्ब नहीं करते। एमरजेंसी रस्ते जिहड़े खुले है, एमरजेंसी गड्डियां आ रही है, जा रही है, मरीज आ रहे हैं, जा रहे हैं, दवाई चल रही, सारा इलाज चल रहा है। हाँ परंतु जिहड़ा धरने का मसला है वो साडा भ्रिष्टाचार के खिलाफ है। जब तक भ्रिष्टाचार खत्म नहीं हुंदा तद तक धरना नहीं चक्या जा सकता। भ्रिष्टाचार खत्म होवे, जिहड़े डॉक्टरों के उत्ते हुण रिटायरमेंट लै रहे हो उन्हां दी रिटायरमेंट ते रोक ला के जिहड़ा इत्थे भ्रिष्टाचार होया। दो डॉक्टर है आर पी सिंह और गोबिंद, मैं नाम लैण तो नहीं जरदा, उन्हां दोनों की रिटायरमेंट ते रोक ला के सारा जिहड़ा सी बी आई तो जाँच कराई जाए उन्हां दी कार्यगुजारी की। तो असीं धरना चक्कण नूं तैयार हाँ, हस्पताल का प्रबंध ठीक होवे, डॉक्टर फुल होण, सारा इलाज अंदरों होवे। असी तो सुधार वास्ते बैठे हैं, भ्रिष्टाचार के खिलाफ बैठे हैं। वो साडा कोई मकसद नहीं, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, किसी दुकानदार के खिलाफ नहीं, किसी समाज के खिलाफ नहीं, किसी जथेबंदी के खिलाफ नहीं, किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बैठे।